Today we will discuss about electric field. Electric field is depend upon the charge. Electric field को discuss करने से पहले मैं थोड़ा gravitational field डिस्कस करना पसंद करूंगा, क्योंकि वो क्लास फर्स्ट ईयर का टॉपिक है जो आपने ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा बेटा। तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल है इज डिपेंड्स अपॉन द मास। फॉर सपोज ये एक चाक है, ये मास है, इसके अराउंडिंग ये जो फील्ड या ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इट मीन्स ये जो फील्ड है इस मास के ऊपर किस टाइम या कितना टाइम इस पे फोर्स लगा सकती है, या इसका रीजन क्या है, बाउंड्री क्या है जो इसके ऊपर फोर्स लगाएं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो डेफिनेशन है द स्पेस ओ आर रीजन अराउंड द चार्ज अट्रैक्ट ओ आर रिपेल इन अदर चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन ओ आर स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अट्रैक्ट ओ आर रिपेल टू इन अदर चार्ज बॉडी इज कॉल्ड फील्ड। अब फॉर सपोज ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इसकी ये जो बाउंड्री है, ये जो रीजन है, ये जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें यहाँ पे जब ये है एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिवली है, पॉइंट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज। अब यहाँ पे ये जो इससे फील्ड्स निकलती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड है द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज। ये चार्ज है सोर्स चार्ज, इस चार्ज पर ये बाउंड्री के बाहर है, इस रीजन से कोई भी चार्ज बाहर है तो इस पर कोई भी चार्ज इस पर अफेक्ट नहीं, फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब ये चार्ज अंदर है तो इस पर कोई ना कोई अफेक्ट होगा, कोई ना कोई फोर्स फील होगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इन द गिवन फील्ड ऑफ चार्ज। देखिए ये एक सोर्स चार्ज है, तो यहाँ पे इसकी जो यह क्या है फील्ड है, तो ये इसकी जो फील्ड है, तो इस फील्ड जब मैं यहाँ पे चार्ज बाहर है तो इस पर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं होता है। जब यहाँ पे मैंने फोर्स इसके करीब चार्ज इस फील्ड में अंदर लेके आया तो इस पर फोर्स एग्जर्ट लगना स्टार्ट हो गया इन द फील्ड ऑफ रीजन, क्योंकि ये चार्ज है, इसका कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई स्पेस है। जब मैं दूसरी चार्ज यहाँ पे लेके आया हूँ टेस्ट चार्ज, तो इस पर फोर्स लगना स्टार्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। तो इसकी ये भी डेफिनेशन हो सकती है द फोर्स एक्टिंग बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो
फॉर सपोज जैसे ये चार्ज में इस दूसरी चार्ज के करीब लेके जा रहा हूँ, मीन्स सोर्स चार्ज के जब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करीब लेके जा रहा हूँ तो क्या होगा, वहाँ पे रिपल्जन फोर्स लगेगा, सोर्स चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगी टेस्ट चार्ज के ऊपर, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगाएगी। जितना चार्ज के करीब होंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स स्ट्रांगेस्ट होगा। जितना हम उस सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो क्या होगा, फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, फोर्स कम होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इसका जो यूनिट देखें, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, ये जो है इसका यूनिट है न्यूटन अपान कूलम, ये है इसका कूलम। तो इसका जो डायमेंशन देखें वो है MLT-2Q-1। ये इसका क्या है, डायमेंशन है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है, तो फॉर सपोज ये एक सोर्स चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के ऊपर उस सोर्स चार्ज का फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी उस शिद्दत से लग रही है पॉइंट चार्ज के ऊपर। जब यहाँ पे हम ड्राइव करें इसकी इक्वेशन से, तो इस फार्मूला से ड्राइव होगी। फॉर सपोज ये बाउंड्री है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये हमारा ये पॉइंट पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज ये जो इससे फील्ड्स लाइन्स से निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो यहाँ से ये जो चार्ज पॉइंट चार्ज है, जैसे ही इस फील्ड के ऊपर इन होगी तो इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से पॉइंट चार्ज इसके करीब लेके आ रहे हैं टेस्ट चार्ज से, तो क्या हो रहा है, इस पर ज़्यादा फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो इस पर हम कूलम्स लॉ पुट करेंगे इस फोर्स की जगह पे, तो फोर्स कूलम्स लॉ इज इक्वल के क्यू नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे ये टेस्ट पॉइंट चार्ज में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जब पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कितनी एग्जर्ट कर रही है, या कितनी दूर तक वो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिपेंड करता है आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे ही फॉर सपोज यहाँ पे ये जो चार्ज है डिस्टेंस आर तक है ना, यहाँ पे ये इस पॉइंट से डिस्टेंस आर है, तो जितना डिस्टेंस करीब होगा दूसरी चार्ज के, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा एग्जर्ट होगी। जब डिस्टेंस लार्ज होगा तो वहाँ पे जो फील्ड फोर्स है वहाँ पे भी क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि फॉर सपोज एक चार्ज ये है दूसरी चार्ज ये है फॉर सपोज, तो डिस्टेंस लार्ज हो जाएगा। जब डिस्टेंस लार्ज हो जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मीन फोर्स कम लगेगा। तो जब चार्ज का जो डिस्टेंस है सोर्स चार्ज एंड पॉइंट चार्ज का जो डिस्टेंस है, जब वो कम होगा तो वहाँ पे फोर्स एग्जर्ट ज़्यादा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बराबर है किसके, कूलम कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू है 1/4πε0Q/r2। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट या एट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन इज अ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट
रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द इट द पॉइंट। अब ये देखें, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो डायरेक्शन है, इसकी जो लाइन्स है, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड। ये जो है आउटवर्ड डायरेक्शन है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। ये क्या है, ओरिजिनेटेड हो रहे हैं, मीन्स बाहर निकल रहे हैं, इसका जो डायरेक्शन है बाहर है। जब ये नेगेटिव चार्ज है, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ड है। यहाँ पे लाइंस क्या हो रही है, टर्मिनेटेड हो रही है, ये इसकी लाइंस है। इसका डायरेक्शन जब हम दोनों को देखें, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसका जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा इस तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज, इसका डायरेक्शन इस तरह, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होते हैं। इसका जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है फील्ड लाइंस का, इसका जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। लेकिन ये दोनों चार्जेस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव से लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में इन होती हैं। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन है इसका। एंड ये जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इंटरसेक्ट नहीं होती, नेवर क्रॉस टू ईच अदर। ये लाइन इससे क्रॉस नहीं करेगी, ये लाइन ये इससे क्रॉस नहीं करेगी। एंड उसके बाद इसकी सम प्रॉपर्टीज हैं, तो हम उसको कुछ डिस्कस करने बस करेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नंबर वन, दीज लाइन्स शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन पॉजिटिव डिस्चार्ज। एंड सेकेंड पॉइंट, द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। जिससे पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलती है एंड जो नेगेटिव चार्ज में इन होती है। नंबर थर्ड, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर राइट एंगल ऑफ द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। जब कंडक्टर या सर्फेस से जो लाइन्स निकलती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं। नंबर फोर, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज टू ईच अदर। जैसे कि एक सोर्स चार्ज है, उसके जो करीब करीब जो फील्ड लाइन्स है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब वो लाइन्स दूर दूर जाएंगी तो उसकी जो फील्ड है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जैसे ही पॉइंट से लाइन्स निकलती हैं, क्लोज द पॉइंट या क्लोज द चार्जेस जो होती हैं, फील्ड स्ट्रांगेस्ट होती हैं, फील्ड ज़्यादा होती हैं। जब लाइन से दूर दूर जाती हैं तो वहाँ पे फील्ड क्या होती है, वीक हो जाती हैं, तो फील्ड स्ट्रांगेस्ट। एंड अपार्ट द पॉइंट्स फील वीकर, दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये जो लाइन्स हैं ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन्स हैं। एंड नंबर ये पॉइंट लास्ट है, द लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो लाइन्स होती हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये हमेशा एक लाइन दूसरी लाइन से दूर होती है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लास्ट पॉइंट्स।